अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आए पाँच मरला का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत घर। इस घर की जो डिमेंशन है 25x45 है। जैसे कि आप इसका फ्रंट एलिवेशन चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइल्स, रॉकवर और लाइट के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ये बैरियाटन लाहौर सेक्टर डी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर घर बनाया गया है। LD अप्रूव ब्लॉक है, गैस बिजली पानी के कनेक्शन अवेलेबल हैं। मैं आपको रोड का व्यू करवा देता हूँ। 40 फीट रोड पर घर बनाया गया है, इसका मेन डोर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ से व्यू करवा देता हूँ रोड का आपको। चलिए आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ। ये हम इसके गिराज में आ चुके हैं, गिराज की टाइल का वर्क चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैट मटेरियल यूज़ की गई है, वर्सेची डिज़ाइन में इसका मेन डोर डिज़ाइन किया गया है। सामने देख सकते हैं खूबसूरत सॉलिड डोर यूज़ किए गए हैं। वाल को डिकोर किया गया खूबसूरत टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। ये इसकी टाइल का वर्क दोबारा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एक बड़ी गाड़ी यहाँ पर ईजिली पार्क हो जाती है। ये इसका खूबसूरत देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन। इस घर की डिमांड वीडियो के एंड पे बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलें कारपोर्ट से हम इसके ड्राइंग रूम में इंटर हो जाते हैं। वर्सेची डिज़ाइन में देख सकते हैं डोर डिज़ाइन किए गए हैं। सामने देख सकते हैं खूबसूरत इसके ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। इसकी वॉल का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, खूबसूरत वॉलपेपर, बहुत ही खूबसूरत ग्लास कवर किया गया, इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। ये इसका मुकम्मल व्यू है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सामने आपको टीवी लॉन्च मिलता है, आप इसकी बिल्कुल पार्टीशन करके इसको सेपरेट कर सकते हैं, टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम को। सामने आपको खूबसूरत मीडिया वॉल मिलती है और ये इसका ड्राइंग रूम का डोर। ये दूसरी तरफ से आपको व्यू करवाया जा रहा है। सामने आपको देख सकते हैं आपको ड्राइंग रूम मिलता है, सामने आपको खूबसूरत CNC कटिंग में वॉल डिकोर की गई है, मीडिया वॉल, और यहाँ पे आपको किचन और बेडरूम का डोर दे सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे आपको पाउडर रूम मिल जाता है। ये मुकम्मल व्यू आपके साथ दोबारा शेयर किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत शैनले यूज़ किया गया है, खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। आज इसके फर्स्ट बेडरूम में लेकर चलता हूँ। ये हम इसके फर्स्ट बेडरूम में आ चुके हैं। सामने आपको विंडो मिलती है जहाँ पर देख सकते हैं सेफ्टी ग्रिल इंस्टॉल्ड है पूरे घर में। ये बेड की हेड वॉल चेक कर सकते हैं, खूबसूरत वाल पेपर इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लाइट का काम किया गया है, और ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। ये दोबारा आपके साथ व्यू किया जा रहा है, कमरा देख सकते हैं आप। इसका मीडिया वॉल, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड वार्डरोब मिल जाती है, और ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन दोबारा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चलिए अटैच बाथरूम में लेकर चलता हूँ। ये हम इसके अटैच बाथरूम में आ चुके हैं। सामने आपको खूबसूरत वैनिटी मिलती है, लुकिंग मिरर, खूबसूरत टाइल का वर्क किया गया पूरे घर के अंदर, बाथरूम के अंदर। ये इसका खूबसूरत चेक कर सकते हैं वॉल टाइल्स। शावर आपको मिल जाता है यहाँ पर, विंडो, और यहाँ पे आपको पोटा का कंसील्ड कमोड मिलता है। A+ मटेरियल का घर बनाया गया, बहरियतों की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे घर बनाया गया। ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। बेडरूम से हम टीवी लॉन्च में आ जाएंगे। टीवी लॉन्च के साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे आपको सीढ़ी के नीचे पाउडर रूम मिलता है, पाउडर रूम के साथ किचन। किचन का व्यू करवा देता हूँ आपको। आप इसको बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। यहाँ पर आपको देखें गली में भी डोर दे दिया गया। हाई ग्लोस यूवी शीट इस्तेमाल की गई है पूरे किचन में, स्टोव, हुड, और यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है, विंडो, यहाँ पे भी सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है। ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। चलें आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलता हूँ। ये हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया सीढ़ियों में। ये सामने आपको खूबसूरत मीडिया वॉल मिलती है, बहुत ही खूबसूरत वाल पेपर का वर्क किया गया। यहाँ पर आपको कुराना वाइट टाइल का वर्क मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत घर को बनाया गया, सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव घर बनाया गया, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बैरियाटन की बनाया गया। ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको टेरेस का डोर मिल जाता है। सामने आपको दो बेडरूम मिलते हैं, साथ आपको किचन मिलता है। ये दूसरी तरफ से इसका व्यू करवाया जा रहा है। सामने स्टेयर्स मिलती है रूफ टॉप पर जाने के लिए, जहाँ पर एक सर्वेंट रूम है विद बाथ। ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन दोबारा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चलें फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं। ये हम इसके फर्स्ट बेडरूम में आ चुके हैं। यहाँ पर भी आपको विंडो मिल जाती है, यहाँ पे आपको डोर मिलता है बाथरूम का। ये बेड की हेड वॉल चेक कर सकते हैं, खूबसूरत वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे भी मीडिया वॉल मिल जाती है आपको, और ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। फ़ैन इंस्टॉल्ड है पूरे घर के अंदर। ये आपको दूसरी तरफ से व्यू करवा देता हूँ मैं। सामने आपको इन्वर्टेड वार्डरोब मिल जाती है। आज इसके अटैच बाथरूम में लेकर चलता हूँ। ये इसका अटैच बाथरूम है। सामने खूबसूरत देख सकते हैं वैनिटी, लुकिंग मिरर, बहुत ही खूबसूरत टाइल का वर्क किया गया है, सॉलिड डोर यूज़ किए गए हैं पूरे घर के अंदर, खूबसूरत टाइल का वर्क भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शावर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कमोड मिल जाता है,
और ये इसका खूबसूरत वॉल टाइल अब दोबारा शेयर की जा रही है, और साथ ही आपको इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिखा देते हैं। आ जाए थर्ड बेडरूम में चलते हैं। टोटल 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है सामने। यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाती है, मीडिया वॉल, बेड की हेड वॉल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी खूबसूरत वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। आ जाए इसके अटैच बाथरूम में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड वार्डरोब लैदा से मिल जाएगी। यहाँ इसके अटैच बाथरूम में आ चुके हैं। सामने आपको शावर मिलता है, साथ ही आपको कमोड मिलता है, कमोड के साथ ही खूबसूरत वैनिटी लुकिंग मिरर, और ये इसका खूबसूरत टाइल वर्क चेक कर सकते हैं। मैट में टाइल इस्तेमाल की गई है पूरे बाथरूम के अंदर, पूरे घर के अंदर, और ये वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं आप। आज इसके अटैच आपको फर्स्ट फ्लोर के किचन में लेके चलते हैं। यहाँ फर्स्ट फ्लोर के किचन में आ चुके हैं। हाई ग्लोस पूरा टेक्सचर में यूवी शीट इस्तेमाल की गई है। टॉप पे देखेंगे ग्रेनाइट स्टोव हुड और सिंक। अगर आप अपना पोर्शन रेंट आउट करना चाहते हैं, इसे इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। आज आपको टेरेस पे लेके चलता हूँ। ये हम इसके टेरेस पे आ चुके हैं। टेरेस भी काफ़ी स्पेशियस टेरेस दे दिया गया है। मैट में टाइल यूज़ की गई है। यहाँ पे बैठ कर आप अपना विंटर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक से आपको अपने ज़ाती घर अता फरमाए। इस घर की जो डिमांड है 2.5 करोड़ रुपए है जो निगोशिएबल है। आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस घर का विज़िट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने ज़ाती घर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।